हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि प्याज के छिलके से आप किन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप प्याज के छिलके के इस्तेमाल से या प्याज के इस्तेमाल से अपने बहुत सारी परेशानियों से बस कुछ ही समय में छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, प्याज हर घर में बहुत ही आसानी से पाया जाता है और ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। इसे काटते वक्त हमारे आंखों में आंसू जरूर आती है, लेकिन ये भी हमारे आंखों को साफ करने के काम आता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि प्याज से हमें किन किन समस्याओं से छुटकारा मिलता है और ये हमारे लिए कैसे बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप रोजाना प्याज, एक कच्चा प्याज का इस्तेमाल अपने खाने में, डाइट में करते हैं, तो आप इससे अपने मोटापे से छुटकारा पाते हैं। आप अपने शरीर की चर्बी को जल्द कम कर सकते हैं और पतले हो सकते हैं। दोस्तों, अगर डायबिटीज के पेशेंट को रोजाना उनके डाइट में प्याज, कच्चा प्याज का इस्तेमाल कराया जाए, तो इससे उनकी डायबिटीज लेवल कम हो जाती है और कुछ ही दिनों में डायबिटीज खत्म भी हो जाती है। आप जानते हैं दोस्तों, प्याज के रस अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो इससे आपके बाल लंबे, घने, मजबूत और काले होते हैं। अगर आप गंजेपन का शिकार हो गए हैं, आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रोजाना अपने सर पे प्याज के रस के साथ एलोवेरा जेल को मिक्स करके सर पे लगाने से भी आप बहुत जल्द अपने सर पे नए बाल आता देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं जल गए हैं तो जले हुए जगह पे प्याज को आधा काट कर लगा कर रखें। कुछ ही मिनटों में जलन खत्म हो जाएगी और इससे जले हुए जगह पे फफोले भी नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप प्याज को काट कर अपने घर में थोड़े देर के लिए रखते हैं, तो इससे आपके घर की बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। प्याज बैक्टीरिया को सोखता है, जिससे आपके घर में सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इससे आपके घर में हर तरफ स्वच्छता रहती है। अगर आपको किसी कीड़े ने या मच्छर ने काट लिया हो, तो आप प्याज को काट कर काटे हुए जगह पर लगा लें। इसे लगाने के कुछ ही देर में आप जलन और दर्द से छुटकारा पाएंगे। अगर आपको किसी जहरीले कीड़े ने भी काटा होगा, तो इससे भी उसका जहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि वो ज़्यादा जहरीला है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कान दर्द के लिए भी प्याज बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, तो आप प्याज के छिलकों को सरसों के तेल में पकाकर या फिर प्याज के रस को सरसों के तेल में पकाकर हल्का गुनगुना ही अपने कानों में डालकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। इससे आपके कानों की सफाई भी हो जाएगी और साथ ही आपके कानों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको बुखार है और आप बुखार की वजह से आपका शरीर तप रहा है, तो प्याज के स्लाइस काट लें और अपने पैर के तलवे में लगाकर मोजे यानी सॉक्स डाल लें। इससे आपको बस कुछ ही समय में बुखार से छुटकारा मिल जाएगा। ये आपके बुखार को सोख लेता है, जिससे आपका शरीर जलना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे में या पूरे शरीर में कहीं भी दाग धब्बे हैं, तो आप प्याज के रस में हल्दी मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट का इस्तेमाल दाग धब्बों के ऊपर करें। इससे आप बहुत जल्द दाग धब्बों से छुटकारा पाएंगे और साथ ही यह आपकी त्वचा को निखार देगा। अगर आपको गले में खराश है या दर्द है, तो इसके लिए आप प्याज को एक ग्लास पानी में उबाल लें। याद रखें दोस्तों कि प्याज को तब तक उबालें जब तक वो अच्छी तरह पक ना जाए। इसके बाद इस पानी से आप गरारे करें या फिर प्याज का बना चाय इस्तेमाल करें। इससे भी आपको गले के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों,
अगर आप प्याज का उपयोग करते हैं तो आप किन सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सारे परेशानियों से प्याज का उपयोग करके छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।